इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पुर रम्यता राम जब देखी हर्षे अनुज समेत विशेखी। क्यों? पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। साधक को देखकर साधक को बड़ा ही अति आनंद होता है। वही बात हम जैसे होते हैं हम अपने समाज को तलाश लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, निकाल लेते हैं। सज्जन का चित्त सज्जन के साथ अनुरक्त होता है और शेष लोग अपने अपने हिसाब से समूह बना लेते हैं। बाहर हाट लगी है, दिव्य वाटिका है, बगीची है, सरोवर है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, सरोवर में भ्रमरों की गुंजार हो रही है, वाटिका पुष्पित है, वृक्ष फलदार हैं, देखते में आनंद ही आनंद। मनुष्य का जो निर्माण होता है उसके रिहायश का निवास स्थल का वो उसके भाव स्वभाव के अनुकूल होता है। अब फिर वो उसी भाव में रहने का अभ्यास कर लेता है। मिथिलावासी महाराज के भाव के अनुकूल सब भागवत लोग, भजनानंदी लोग, बारात आ रही है, कोई बात नहीं, ठीक, श्री हनुमान जी का आशीर्वाद है। तो एक आम की बगीची देखकर गुरुदेव भगवान ने कहा, राम जी यहाँ मन रम रहा है, सब व्यवस्था सुपस्थित है, तो यहीं रुका जाए, जो गुरु आज्ञा। भगवान गुरुदेव के सानिध्य में वहाँ विश्राम करने की रचना बना लिए। विश्वामित्र जी आ गए हैं, इसका समाचार मिथिलेश को मिला। जाति जन और सचिवों को लेकर मिथिलापति महाराज विश्वामित्र के स्वागतार्थ पधारे। सुंदर स्वागत भया, राम दर्शन करके जनक राज गदगद हो गए। परिचय पूछे, गुरु विश्वामित्र जी ने परिचय दिया है, बड़े प्रसन्न हुए। अंदर एक दिव्य निवास स्थल है जिसका नाम है सुंदर सदन। सुंदर सदन में गुरु विश्वामित्र जी मुनिगणों राम लक्ष्मण प्रभु को वास दिलाया गया। भोजन हुआ, विश्राम, संध्या वेला में सत्संग प्रारंभ हुआ 5 बजे। और सत्संग करते ही करते लक्ष्मण जी का मन थोड़ा उच्चटित हुआ, तो भगवान को लगा लक्ष्मण जी अब बहुत देर सत्संग में नहीं रहना चाहते, चले इनको दर्शन करा लाए। बच्चे सत्संग में बैठते तो हैं परंतु बहुत देर तक नहीं बैठ पाते हैं, तो जितनी देर बैठे उतना देर ठीक है, फिर उनको थोड़ा घूम फिर कर है ना आनंद में रहने दिया जाए। कई बड़े लोग भी बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, बहुत देर नहीं बैठ सकते, उलझन हो जाती है उनकी। इसलिए यज्ञ में चरखी वरखी भी है, आप में से जिसको उलझन हो वो चरखी पर झूल के आ जाए। मौत का कुआं भी है, मोटरसाइकिल बड़ा दम 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 दम, तो उसमें भी जिसको उलझन होती हो वो थोड़ा उधर भी चले गए, देखाए थोड़ा पकौड़ी खाए, थोड़ा जलेबी चोटा वाली जलेबी आती है उसको खा पी के चकाचक फिर है ना। हाँ, यज्ञ में तो सारी व्यवस्थाएँ होती हैं, कोई उलझन किसी को ना हो। जिसको उलझन ना हो वो बैठे 2 घंटा 3 घंटा जितना आप बैठ सकते। तो लक्ष्मण जी को भगवान ने गुरु आज्ञा लेकर दर्शन कराने की रचना बनाई, गुरु आशीर्वाद दिए और गए नगर दर्शन करने लगे। इस प्रसंग का नाम है नगर दर्शन। देखन नगर भूप सुत आ समाचार धाये धाम काम सब मनोरंग निधि लूटने
दर्शनार्थ दौड़ पड़े। दर्शन की अपनी अपनी विधा है, अपना अपना ढंग है। बच्चे तो साथ हो लिए, बड़े लोग द्वार पर मार्ग में खड़े हो गए। क्यों? ऐसी मूर्ति ही है राम लक्ष्मण प्रभु की। परदा नसीन जो बेटियां बहुएं थी, वो झरों को जुबती भवन झरोखन लागी, देखें राम रूप अनुरागी। प्रभु के रूप को देख करके बहने सखियां बहुएं बेटियां अनुराग में डूब गईं। क्यों? अब भगवान की मूर्ति ही ऐसी है ना। सरकार का स्वरूप ऐसा अद्भुत है, जो देखता है वो इन्हीं में हैरान ही जाता है। एक बेगम हुई राबिया, बांके बिहारी का दर्शन करने गई। सुल्तान ने बहुत यत्न किया लेकिन मानी नहीं, गई। उन्होंने पद लिखा कि खाक इस दुनिया पे डाली जाएगी, कब खाक इस दुनिया पे डाली जाएगी, जब लगन हरि से लगा ली। कह दो मुल्ला मौलवी ओ पीर को, पूजूगी मैं कृष्ण की तस्वीर को, झोपड़ी अरे झोपड़ी ब्रज में बना ली जाएगी, जब लगन हर से लगा ली। जगत का जितना प्रेम विकृत है, डिस्पर्स्ड है, सब परमात्मा का है। सुंदर बेटे, सुंदर बेटियां, सुंदर सदन, सुंदर समान, सुंदर वस्तु, सुंदर निवास, सुंदर घर, सुंदर बर, सुंदर जो भी है, सब भगवान का है। सारा सौंदर्य परमात्मा से है। जिसका प्रेम परमात्मा से हो गया, उसका प्रेम सबसे हो गया। भगवान का भजन का प्रभाव क्या है ना, कि जो कम भी सुंदर होता है, जब भजन करने लगता है तो भगवान उसको सुंदर बना देते। हाँ, बहुत बहुत करके देखिए। सखियां, माँ की 8 सखियां अपना अपना भाव दर्शाती हैं। ये सखी कौन है? ब्रह्मा जी 4 मुखी, शिव जी विकट वेश 5 मुखी, विष्णु भगवान की 4 भुजा। ऐसा स्वरूप, ऐसन स्वरूप हम अखियों ने देखली, कभी नहीं देखा। आहा, करोड़ों करोड़ों कामदेव को ले जाने वाले कौन है? दूसरी सखी समझदार थी, उसने बताया अयोध्या के महाराज है ना, चक्रवर्ती दशरथ जी, उनके ही दोनों लाला हैं। सांवले वाले की माँ का नाम कौशल्या जी है, गोरे वाले की माँ का नाम सुमित्रा है। यहाँ कैसे आए? मुनि जी लाए, धनुष यज्ञ दर्शन आए करने आए हैं। अच्छा सखी, राजा देख लेना इन दोनों को, सांवले वाले से श्री जी का विवाह निश्चित कर दे, बुलाई जाएगा सब, धनुष भंग का संकल्प। चुप कर रे, राजा कभी भी हट का त्याग नहीं करेंगे। राजा अच्छी है, राजा जो तय कर लेंगे वो करेंगे। अच्छा चल, भगवान ब्रह्मा ने कुछ तो भाग्य में हम लोगों के पुण्य रखा होगा, यदि कुछ पुण्य होगा हम सबका तो ये सांवले वाले से धनुष भंजन होगा। चटवी ने अपना कहा, सातवी ने अपना कहा। एक सखी ने पूछा इसमें कि क्या ये शिव जी का इतना कठोर धनुष
तोड़ पाएंगे? आइए इन पंक्तियों में श्रवण करते हैं। बोली है एक सखी, बोली है एक सखी राम को देख कर रच दिए है विधाता निधोरी सुधर पर धनुष कैसे तोड़े के बारे कुमार धनुष कैसे तोड़े पारे उमर सब में शंका बनी की बनी सब में शंका बनी बनी की बनी रह सब में शंका बनी इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।